अली भाई, आप स्कूल वगैरह भी जाते हो कि सिर्फ इन्हें दाना पानी डालते हो? स्कूल भी जाता हूँ सुबह टाइम, और इन्हें रात पानी भी डालता हूँ। अच्छा, यानी कि दाना पानी आप सुबह टाइम नहीं करते, रात टाइम करते हो। ज़बरदस्त। और फिर बर्ड्स को चेक भी करते हो? कितने पेड़ लगाए हुए हैं आपने? ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाफिज़ बर्ड ऑफिशियल में खुश आमदीद। वातु इज़्ज़ो मन तशा वातु ज़िल्लो मन तशा। जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम, फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं साकब भाई के सेटअप पे। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को और जो मेरे नए फाइनेंशियल दोस्त हैं, जो मेरे नए शकीन दोस्त हैं, उनकी रहनुमाई के लिए एक मैसेज पॉजिटिव सा देता चलूं कि जिस सेटअप पे मैं मौजूद हूँ, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार लव बर्ड का रेट नीचे आ जाएगा, ऑफलाइन को आपने प्रमोट नहीं कर रहे, लव बर्ड गिर जाएगा, ऑफलाइन का रेट नहीं है, ऑफलाइन कोई बिक नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा। लेकिन आज जिस सेटअप पे मैं मौजूद हूँ सर, आप शो की इंतहा देखें और बर्ड्स की इंतहा देखें कि पहला ही साल है इनका ब्रीडिंग सीजन में, ये पहला साल, और पहले ही साल इन्होंने 20 लाख से शुरू किया है और बर्ड्स भी सजी वो वाले रखे हैं जिनकी मोर्टेलिटी रेशो भी बहुत हाई है, बड़े बड़े ब्रीडरों के पास उसकी बहुत कम आ रही है ब्रीडिंग। तो सर माशाल्लाह भाइयों ने पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग की है, शौक भी स्टार्ट किया लबड़ का कहाँ से, पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग से। चले हैं इनसे मिलते हैं और इन्हीं की जबानी इनके शौक के बारे में जानते हैं कि इतना हाई है शौक कहाँ से हुआ इन्हें। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम भाई जान, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और सर जी ये भाई का भी तारफ करवाइएगा। ये जी मेरा बेटा है माशाल्लाह, क्या मोहम्मद अली माशाल्लाह। तो इससे ही शौक है कि आपको शौक है? नहीं जी, इसे भी शौक है, पानी और दाना यही चेंज करता है। जबरदस्त, यानी कि तोतों में हिस्सा है अली का। अली का हिस्सा है। सही। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जैसा कि आपका पहला साल है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सर आपका शौक यही सिर्फ कारोबार है कि इसके रिलेटेड हटके भी कोई है? नहीं जी, मेरा गाड़ियों का काम है, शोरूम है हाकी स्टेडियम में। माशाल्लाह जी, उधर होता हूँ। ये तो ऐसे बस ऐसे शौक, और कह लें शौक भी और इनकम भी अच्छी है इससे। बिल्कुल सर, आपने पहले ही साल इतनी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे की आपको? हालांकि लोग कहते हैं कि यार पहले आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ भी काम शुरू करने से पहले। एक्सपीरियंस तो देखें जी, एक्सपीरियंस होना या ना होना ये तो अल्लाह के काम होते हैं। अगर कोई आपको अच्छी ब्रीड आ गई या नहीं आई, ये सारा अल्लाह की तरफ से होता है, जो आपके यानी कि नसीब में है वो आपको मिलना ही है। पहले मैंने बजरी ब्रीड करवाए हैं, दो तीन साल करवाया बजरी ब्रीड और माशाल्लाह अच्छा रहा है वो मेरा। सर लव बर्ड के अंदर आपका ये पहला साल है? जी पहला साल है। तो सर जी आप मुझे ये बताएं कि पहले ही साल में आपने 20 लाख सजी कोई, इस दौर में बहुत हाई अमाउंट है। मेरा ख्याल है अगर मैं लगाना चाहता ना तो मैं बार बार सोचता यार क्या लव बर्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे लोग कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर नहीं कुछ नज़र आ रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट की? जी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट तो खैर आप देख सकते हैं, 8 जोड़े हैं माशाल्लाह बस अल्हम्दुलिल्लाह, और यही इतने के हैं। मेरे काफ़ी 2-3 कज़न्स हैं और काफ़ी दोस्त हैं जो बड़ी देर से काम कर रहे हैं, तो उनको ही देख के मैंने भी ये सेटअप वगैरह लगाया है। सही। और तजर्बा तो माशाल्लाह है, काफ़ी है, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में और आपके बर्ड्स में और आपकी ब्रीड में रिस्क में डबल दुगनी बरकत देगी, हमारी दुआ है भाई। बाकी हमें ये बताएंगे आप शेड में इस सीज़न कौन कौन से बर्ड जो लव बर्ड में है ब्रीड करवा रहे हैं? जी मैं मेरी तकरीबन कह लें कि मेरे पास टोटल म्यूटेशन के 8 जोड़े हैं, जिनमें से 5 जोड़े मेरे लगे हुए हैं इसके ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग माशाल्लाह, और 3 जोड़े जो हैं मेरे वो ऑफलाइन की वर्किंग के हैं। ज़बरदस्त। तो भाई जैसा कि मौजूदा ट्रेंड है कि कोई भी नया स्ट्रीन आता है ना वो कमर्शियल बर्ड डेकिनो क्रीमिनो अल्बाइनो रेड इससे स्टार्ट कर रहा है, लेकिन आपने इतनी हाईएस्ट म्यूटेशन पर क्यों गए? जी ये तो हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है या अपनी अपनी जेब का मामला है,
जी कि आप कितने इन्वेस्ट करते हो। जाहरी बात है आप जितनी इन्वेस्ट करोगे आपको उतनी इनकम इसकी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो न्यू फैंसियर के लिए ये मेरा यही है उनके लिए कि अगर वो बर्ड परचेज करते हैं तो उनको बर्ड के बारे में इलम होना चाहिए। सही। लाजमी नहीं है कि अल्बाइनो क्रीमिनो से ही वर्किंग स्टार्ट कर दी है, आप म्यूटेशन में आए कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ जिस बंदे से आपने बर्ड बाय करने हैं ना वो ब्रीडर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके पास आप जो बर्ड बाय कर रहे हैं उसके पेरेंट्स आपने लाजमी चेक करने हैं कि आया वो फिलिपाइन के तो नहीं है, लोकल ब्रीड हैं ये चीज़ें सारी, उनकी क्वालिटी और उनका साइज ये चीज़ें आपने सारा कुछ खुद चेक करना है। आप एक दो दफ़ा आप बर्ड को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बर्ड किस कैटेगरी का है, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इसके फ्लाइंग फीदर हैं, ये चीज़ें आप दो तीन दफ़ा जब आप बर्ड को देखते हैं आपको समझ आ जाती है। ऐसी ज़बरदस्त। चले अब हरी भाई से बात करते हैं। जी अली भाई, आप स्कूल वगैरह भी जाते हो कि सिर्फ इन्हें दाना पानी डालते हो? स्कूल भी जाता हूँ सुबह टाइम और इन्हें रात पानी भी डालता हूँ। अच्छा, यानी कि दाना पानी आप सुबह टाइम नहीं करते, रात टाइम करते हो? ज़बरदस्त। और फिर बर्ड्स को चेक भी करते हो? कितने पेड़ लगाए हुए हैं आपने? 8। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो चले आए अब हमारे व्यूअर्स को अपने तोते दिखाएं। देखें जी साकब भाई। जी सर। सर ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट पेयर है, ये ब्लू पेल फेलो है और इसके साथ पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल लगी हुई है। ज़बरदस्त माशाल्लाह सर जी, बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम आपके पास ब्रीड करेगा जी? जी ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। यानी आप जैसा कि खिसर पे दिखा सकते हैं इन्होंने माशाल्लाह बॉक्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं तोतों को। जी बॉक्स मैंने ये 4-5 दिन पहले इंस्टॉल की है। मौसम में चेंजिंग आ चुकी है। और इसके साथ ये नंबर 2 पे कौन सा पेयर है जी आपका? जी ये मेरे पास वायलेट पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट अपलाइन का मेल है जी, और ग्रीन अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल लगी हुई है जी। जबरदस्त माशाल्लाह। नेस्टिंग वगैरह आपने खुद ही ने करके दी है कि ये खुद ही कर? नहीं ये खुद कर रहे हैं, नेस्टिंग वगैरह सब कुछ ये खुद कर रहे हैं। 0% भी नहीं आपने दी? नहीं मैंने सिर्फ वो नीचे बूरा डाला था और थोड़ी सी नेस्टिंग डाली थी। जबरदस्त। और इसके साथ ये वाली कौन सी पेयरिंग है जी? ये जी ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ग्रीन यूविंग अपलाइन की फीमेल है और ब्लू फिशर स्प्लिट अपलाइन का मेल है इसके साथ। जबरदस्त माशाल्लाह। अपलाइन की भी वर्किंग की हुई है आपने। और सर ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये जी मेरे पास है मिस्टी ब्लू स्प्लिट अपलाइन का मेल है और ग्रीन यूविंग अपलाइन की स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। फिशिंग मास्किंग बहुत आउट क्लासिकल है। और इसके साथ ऊपर? इसके साथ ऊपर आप देखेंगे तो ये ग्रीन पेल फेलो की फीमेल लगी हुई है जी, और इसके साथ मिस्टी ब्लू यूविंग अपलाइन का मेल लगा हुआ है। ये भी स्प्लिट पेल फेलो है? नहीं जी ये मेल सादा है, इसके साथ स्प्लिट तैयार होंगे इंशाल्लाह। यानी कि ये स्प्लिट की वर्किंग है जी। ज़बरदस्त। और पेल फेलो की जैसा सर्वाइविंग रेशो नहीं है लेकिन आप स्प्लिट करके? हाँ स्प्लिट। हाँ स्प्लिट। और सर ये वाली? ये जी मेरे पास मिस्टी ग्रीन यूविंग स्प्लिट अपलायंस स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। ज़बरदस्त। और इसके साथ पार ब्लू अपलायंस स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। ज़बरदस्त। यानी कि आपने स्प्लिट टू स्प्लिट विजुअल टू स्प्लिट भी अपने तैयार करे और स्प्लिट टू स्प्लिट भी? जी बिल्कुल, मैं विजुअल के लिए भी वर्किंग है और स्प्लिट की भी वर्किंग है। और इसके साथ सर जी ये वाली पेयरिंग के बारे में बताइए। ये जी माशाल्लाह वायलेट पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और इसके साथ जो है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू की स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पेयर है। जबरदस्त। ये लाबाग मजीद बरकत दे। और वायलेट यूविंग है मेल जो है जी? वायलेट यूविंग। वायलेट पार। जबरदस्त। और इसके साथ नीचे भी आ रहे भाई? नीचे ये मेरे पास लगा हुआ है जी मिस्टी ब्लू यूविंग स्प्लिट अपलाइन का मेल है जी, और इसके साथ जो है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल लगी हुई है। इसकी नेस्टिंग भी चेक करें यार, किस तरह की कर रहे हैं आपके पेड़? 3-4 दिनों में किस तक कर ली होगी इन्होंने तकरीबन? सही। यानी कि अभी और मजीद नेस्टिंग देंगे इन्हें? ये देखूँगी ये नेस्टिंग वगैरह खुद ही घोंसला वगैरह उसने बैठने के लिए बस स्टार्ट कर दिया, अभी 3 दिन हुए हैं इनको। सही सही। अभी मजीद और नेस्टिंग देंगे और काफ़ी हो जाएगी जी जी।
ज़बरदस्त। और इसकी भी ये चार्ट वगैरह के लिए प्रॉपर इंतजाम, आपने फ्लैक्स वगैरह भी बनवाई है इनका डाटा मेंटेन जी, वो सब कुछ बनाया है, लेकिन मुझे पता है कि अभी बॉक्स लगाए हैं तो 15 दिन अभी गुजर जाएंगे इंडिया आने में, यार इतनी जल्दी नहीं है। हाँ इतनी जल्दी नहीं है, वो मैं लगा लूंगा। जी प्यारे भाई, इसके साथ ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये जी माशाल्लाह अल्बाइनो रेड आई के साथ अल्बाइनो ब्लैक आई सेपरेट रेड आई लगा हुआ है। ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिया साहब, जिया हसन डोगर साहब, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था पेयर, और माशाल्लाह इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं जबरदस्त माशाल्लाह। ये मैंने ट्राई के तौर पे ये चार पेयरों को लगाया था तकरीबन एक माह पहले ना, सही बॉक्स यानी कि चार, ताकि मुझे कोई तजर्बा वगैरह हो जाए ब्रीड का, मेरा पहला सीजन था। बिल्कुल ऐसे ही है इन बर्ड के अंदर, तो मेरे पास सेटअप है, आपका पहला सीजन है? जी पहला सीजन है, और माशाल्लाह 6 अंडे आए हुए हैं और फर्टाइल है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद बरकत दे आपको, आमीन। और इसके साथ ये अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है जी, और उसके साथ लेटिनो फिशरी का मेल लगा हुआ है, ये भी जिया साहब ने दिया है मुझे। इसकी भी नहीं ना, इसकी लिंग आने वाली है इसकी, वो बस इंशाल्लाह एक आधे दिन में आ जाएगी अल्लाह खैर करे। वैसे लोड है फिर जी साकब भाई माशाल्लाह, आपके पास इस सीजन की स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन जी माशाल्लाह मेरे पास ये चार पेयर जो मैंने पहले डब्बे लगाए थे इनकी सबकी लेंग आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी सेम पेयरिंग है जी? जी ये भी अल्बानो की सेम पेयरिंग है जी। सर इसके साथ ये बड़े खाने वाले केज है, इसका क्या राज है? इसमें पहले तो बताइए पेयर कौन सा है? ये जी ग्रीन अपलाइन सप्लेट ब्लू की फीमेल है जी, और इसके साथ मेरा पार ब्लू यूविंग सप्लेट अपलाइन का मेल है। ये माशाल्लाह मेरी होम ब्रीड है, पिछले साल एक पेयर ने अंडे दिए थे तो वो ये बच्चे आए थे माशाल्लाह। तो ये वाला साथ? ये वाला जी ये पॉसिबल पेल फेलो का है, इसमें ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू पॉसिबल पेल फेलो का मेल है जी, और डीडी ब्लू की पॉसिबल पेल फेलो की फीमेल है। जबरदस्त। और इसके साथ? इसके साथ जी ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू पॉसिबल पेल फेलो और पार ब्लू पॉसिबल पेल फेलो की फीमेल है। जबरदस्त, यानी ये आपका पहला सीजन है, कंफर्म होता है या नहीं होता इस सीजन में पता चलेगा जी? ये सीजन में पता लगेगा। जबरदस्त। और इससे नीचे? इससे नीचे सेम पेयर है वो पार ब्लू पॉसिबल पेल फेलो का। जबरदस्त माशाल्लाह। तो सर जी ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपने ये डबल जाली अंदर क्यों लगवाई हुई है? जी जी ये डबल जाली ये है कि इसको अगर आप पार्टीशन को निकाल देंगे तो ये एक ही फ्लाइट बन जाएगी, तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो सारे आप इसमें छोड़ सकते हैं फ्लाइंग, उनको फ्लाइट दे सकते। और डबल जाली लगाई हुई है कि एक दूसरे का पाँव? हाँ पाँव ना पकड़े, वो मैंने गैप रखा हुआ है उसके अंदर तकरीबन एक इंच का ना। जबरदस्त। तो सर जी माशाल्लाह हमें ये बताएंगे आपने ये पेल फेलो पे जो इन्वेस्टमेंट की थी जी जी, तो कितने का पर पेयर आपने बाइंग किया है? ये जो जी मैंने ये मेरा पेयर है जो एक नंबर पेयर है जी, जो वायलेट पेल फेलो और इसके साथ जो है पार ब्लू अप्लायंस स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है जी, ये माशाल्लाह मैंने लिया था जी 2,00,000 रुपए का वायलेट पेल फेलो लिया था माशाल्लाह, और 1,75,000 की मैंने ये फीमेल ली थी। लेकिन सर अगर अब देखे तो मेरे ख्याल से रेट कम नहीं है जी? रेट तो आपको बिल्कुल सस्ते मिल जाएंगे लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये बात है पॉइंट। मैंने फिर आप बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे, कोई आपको अपलाइन में 20,000 का दे रहा है, कोई 15,000 का दे रहा है, कोई आपको 30,000 का कह रहा है, लेकिन जिसके पास क्वालिटी है वो आज भी बस 1.5 लाख से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी, क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज जी, बिल्कुल ऐसे ना पैसों पर कम्प्रोमाइज। हाँ बिल्कुल। तो व्यूअर जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो पे कोई मोटिवेशन तोतों के मतलब बर्ड्स के रिलेटेड कोई ऐसी अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन जिसमें ब्रीड के रिलेटेड हो, बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हो, ब्रीडिंग, जैसे कि मैंने आज आपको एक अच्छी वीडियो लेके हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, जैसे मैंने बताया कि लव बर्ड का लोग कह रहे हैं कि स्कोप नहीं है, लेकिन मैं आज ऐसे सेटअप में मौजूद हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग ही 20 लाख से की है और म्यूटेशन के हाई लेवल बर्ड्स पे की है। जैसा कि मैंने इनसे प्राइस भी पूछी, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या प्राइस है और किस तरह की इन्होंने क्वालिटी लगाई है। जी व्यूअर जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेंगे, आपको मेरी वीडियो और साकब भाई का सेटअप और इनके बर्ड्स आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।